हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं F&D का टावर स्पीकर T60X मॉडल। ये मेरे को ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं खुद मंगवाया हूँ। उसके बाद फिर मुझे ये काफ़ी पसंद आया, इसीलिए मुझे लगा आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूँ इसे। ये बेसिकली मैं मंगवाया था एक सप्ताह पहले ही मैं मंगवाया था, और अभी मैं इसे फिर से बॉक्स में डाल दिया हूँ ताकि मैं आपको शुरू से मैं दिखा पाऊँ कि जब मैं मंगवाया था तो क्या क्या असेंबल होकर के आया था, कैसे कैसे आया था। बस इसीलिए ये बेसिकली खुला हुआ है, ये पैकिंग नहीं है। तो वैसे ये जो कार्टून है, मुझे और भी इसे ऊपर से पैकेजिंग मिला था अमेजन की तरफ से जब मैं मंगवाया था। तो अगर आपको ये खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। तो बेसिकली मुझे सबसे पहले ये मिला था, ये एक इसके साथ एक माइक्रोफोन भी आता है, मैं आपको सब दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ वायर्स हैं, उसके बाद फिर रिमोट है और एक माइक है। मैं आपको सब कुछ मैं दिखाऊंगा डिटेल से, अभी इसको हम साइड रखते हैं थोड़ा देर के लिए। उसके बाद फिर ये रहा एक थर्मोकोल, और ये रहा हमारे पास दो बॉक्स। मैं इसे जल्दी जल्दी निकाल लेता हूँ बाहर, और निकालने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका वेट कितना है, टोटल वेट। वैसे मैं आपको दिखाऊं, कंपनी की तरफ से ये लिखा हुआ है कि ये जो इसका टोटल वेट जो रहेगा, ये ग्रॉस वेट देखिए यहाँ पे लिख रखा है 21 kg। तो ये बॉक्स में और कुछ नहीं है, बस ये दोनों मेरे पास था। अब मैं इसे साइड कर देता हूँ। तो ये देखिए इसमें लिख रखा है, ये यहाँ पे कनेक्टिविटी दे रखा है कि कितने तरीके से इसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहला देखिए NFC है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। उसके बाद देखिए एक USB है, और फिर यहाँ पे ऑप्टिकल केबल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और एक रिमोट कंट्रोल है, और इसमें FM का भी सुविधा है। ये देखिए ये सामने से यहाँ पर एक ट्विटर लगा हुआ है। उसके बाद फिर ये 4 इंच का दो मेन स्पीकर्स हैं। उसके बाद फिर नीचे देखिए ये इस साइड यहाँ पे सब बूफर लगा हुआ है, 8 इंच का ये यहाँ पे ये कवर कर रखे हैं, और आगे जो है एयर वेंटिलेशन है वो। ये देखिए दोनों में बूफर लगा हुआ है 8 इंच का सब बूफर, और दो दो स्पीकर्स, मेन स्पीकर्स दो दो दोनों में। अगर मैं इसका आपको दिखाऊं मेज़रमेंट करके कि कितना हाइट आ रहा है, ये तो ये आ रहा है एग्जैक्टली 31 इंचेस, ग्राउंड से लेकर के यहाँ तक दोनों का सेमी हाइट है 31 इंचेस, मतलब 2.5 फीट से 1 इंच ज़्यादा। ये मैं आपको हाइट इसलिए बता दिया हूँ ताकि कभी अगर आप ऊपर अगर रखें ना वो सज्जा पे रोक पे रखने से क्या होगा कि उतना हाइट होना चाहिए कम से कम। जिसमें हमारा एम्पलीफायर इनबिल्ट है इसी में ही, सारा कंट्रोलर इसी में है, और ये बस एक समझ लीजिए एक सपोर्ट है, इसका मतलब एक एक्सटेंडेड स्पीकर है। इसमें कोई भी एम्पलीफायर नहीं है, हम लोग को इसके साथ इससे इसे कनेक्ट करना होता है। आज ही आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये जो हमारा मेन बॉक्स जो है ये 9.3 kg दिखा रहा है, और अगर मैं इसका सपोर्ट बॉक्स को दिखाऊं, ये थोड़ा हल्का है। ओके, वो 9.3 है और ये 8.5 kg। ये देखिए इसमें जो मुझे मिला है, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं, यही है वो जो वायर, कनेक्टिंग वायर है जो दोनों स्पीकर को कनेक्ट करता है। मैं अभी आपको इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये रहा 3.5 mm का जैक जो आप मोबाइल या लैपटॉप में लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारे पास है 3.5 mm का जैक जो आप मोबाइल से या फिर लैपटॉप में लगा करके आप म्यूजिक चला सकते हैं। उसके बाद देखिए ये टीवी में कनेक्ट करने के लिए है। उसके बाद फिर हमारे पास एक माइक, एक रिमोट और एक यूज़र मैनुअल, और इसमें मुझे रिमोट का शायद मुझे बैटरी मिला था बट मुझे माइक का बैटरी नहीं मिला था। अभी मैं लगा रखा हूँ दोनों में, ये बैटरी में लगा रखा हूँ, और इसमें भी लगा हुआ है, ये देखिए ऑन है। और इस होम थिएटर का मुझे सबसे ज़्यादा जो सबसे अलग और सबसे अच्छा चीज़ जो लगा है, देखिए आप रिमोट के थ्रू आप बेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं बहुत कम देखा हूँ, बहुत कम होम थिएटर में मिलता है,
जनरली होता क्या है कि आप जा करके होम थिएटर के पास में ही, आप देखिए इस तरह से नॉब रहता है, आप यहाँ से जा करके आपको तेज कम करना होता है बेस को, बट इसमें क्या है कि आप यहाँ से भी कनेक्ट कम तेज कर सकते हैं, बेस ट्रेबल दोनों को तेज कम कर सकते हैं। बेस ट्रेबल को दोनों तेज कम करने के लिए यहाँ पे देखिए दे रखा है, अभी मैं आपको ये सब डिटेल में दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, सेम चीज़ें यहाँ पे भी दे रखा है। ये रहा यूएसबी के लिए, और यहाँ पे देखिए दो माइक आप और लगा सकते हैं, वो दोनों माइक का सेंसिटिविटी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप। और ये जो माइक है ये वायरलेस माइक ऑलरेडी दिया हुआ है, और मतलब कहने का मतलब टोटल तीन माइक आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड है इससे, इसमें आपको कुछ भी लगाने नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर और भी दो माइक लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और आपको मैं दिखाऊँ इसके पीछे, तो सबसे पहले मुझे ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगा और इसका ज़रूरत पड़ेगा, मैं इसे हटा देता हूँ। ये देखिए ये जो हमारा है मेन होम थिएटर है, इसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है अंदर में, और सबसे पहले ये देखिए हमारे पास एफएम के लिए एंटीना है, और आप यहाँ पे देखिए ये अगर आप लगाना चाहें 3.5 mm का वायर, तो आप यहाँ पे लगा करके इसमें आप इसे फ़ोन में या फिर लैपटॉप में आप इसे लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए एक यहाँ पे पावर बटन दे रखे हैं, ऑन ऑफ करने के लिए आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये है इनपुट के लिए, आप यहाँ से पावर सप्लाई इनपुट देंगे 220 वोल्ट के आसपास। उसके बाद फिर ये देखिए हमारे पास ये जो है ये जो एक और हमारे पास टावर स्पीकर है, इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ से कनेक्ट करना होता है इसमें, तो हमारे पास जो ये वायर मिला था तो हम लोग को इस तरह से इसे कनेक्ट करना है। आप जस्ट इसे लगाइए, उसके बाद इसे पुश कर दीजिएगा, ये लॉक हो जाएगा, सेम इस वायर में ऐसे लॉक हो गया ये। अब ये वाला जा करके इसका जो सेकंड वाला जो स्पीकर है आपको जा करके ऐसे लगा देना है इसमें, ओके तो ये लग गया है। तो मैं इसे अब पावर सप्लाई दे रहा हूँ, और मैं ये जो है मैं एक बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। आप देखिए मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं इसे फुल वॉल्यूम पे करके मैं दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा कितना वाट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज है 245, और मैं इसे लगा दे रहा हूँ इसमें। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे पावर ऑन करूँगा तो आप इसमें देखिएगा यहाँ पर एक डिस्प्ले लगा हुआ है, LED डिस्प्ले लगा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ, ये देखिए ये क्या है, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा, जब भी आप इसे पावर सप्लाई दीजिएगा तो ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा। आपको इसके देखिए यहाँ पे एक पावर बटन है, आप चाहे तो यहाँ पे पावर बटन प्रेस करके, ये फर्स्ट वाला पावर बटन प्रेस करके इसे ऑन कर सकते हैं, या फिर आप रिमोट में देखिएगा तो ये रिमोट में ये रेड कलर का जो बटन है आप इसे दबाइएगा तो वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे AU लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्स केबल रहेगा, मतलब आप ये जो वायर में लगाया था, मतलब आप ये लैपटॉप में 3.5 mm जैक लगा करके अभी बजा सकते हैं, अभी ये उस मोड में है। अभी मैं आपको और सारे मोड्स में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक बटन है यहाँ पे सोर्स, सोर्स पे क्लिक करने से क्या होता है आप चेंज कर सकते हैं कि आप इसे कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अभी देखिए मेरा ये कनेक्टेड है ऑक्स से, अभी मैं सोर्स पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये OP लिखा हुआ दिखा रहा है, OP का मतलब ये ऑप्टिकल के थ्रू आप कनेक्ट होगा। अभी मैं और मैं क्लिक करूँ तो देखिए अभी ये USB मोड में आ गया है, तो अभी अगर आप यहाँ पे USB लगाएंगे तो USB से ये बजना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको चलाऊँ, ये देखिए ये FM में चला गया है, और मैं आपको देखिए ये BT में आ गया, अभी ये ब्लूटूथ मोड में आ गया। ये जब तक ब्लिंक करता रहेगा इसका मतलब ये ब्लूटूथ अभी कनेक्टेड नहीं है, जैसे ही हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ से तो ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगा, बस इतना ही मोड है। इसके बाद देखिए ये जो हमारा माइक है, ये जैसे मैं यहाँ पे देखिए माइक में जो तीन बटन दिया हुआ है, तीन मतलब एक बटन में है वो तीन स्विच का काम कर रहा है, एक सबसे नीचे बंद, बीच में है जो वो म्यूट, और ये ऊपर कर दीजिएगा एक और तो ये ऑन हो जाएगा। और देखिए ये माइक जो है ये हमेशा काम करेगा, आप कोई भी मोड में इसको सिलेक्ट करके रखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसे ये माइक हमेशा ऑन रहेगा जैसे आप ऑन कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए अभी मैं इसका वॉल्यूम तेज करता हूँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बोल करके मैं सुनाता हूँ काम कर रहा है नहीं। हेलो, अभी मैं और वॉल्यूम अगर मैं तेज करूँ, हेलो हेलो, कोई भी मोड से आप कनेक्टेड हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब ये जो है ये कैरियोके के लिए सिंगिंग के लिए काफ़ी बेस्ट है, आप बजा सकते हैं, मतलब कोई भी मोड से आप कनेक्ट कर रखें और आप गा सकते हैं। अभी मैं आपको और भी दूसरे मोड से मैं कनेक्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो है ये 3B है, 3B
तो अभी मैं इसको लगभग 20 टोटल इसका जो वॉल्यूम है ये 30 तक जाता है, 30 तक जाता है। अभी मैं यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका जो इतना हाई बेस है ये वाइब्रेट करने लगा, मतलब ये खिसकने लगा। आपको अगर कहीं इसको ऊंचा जगह पे रख रहे हैं तो आपको इसे बांध करके रखना होगा। वैसे इसका रबर का ग्रिप है उतना भी नहीं भागता, लेकिन अपना सुरक्षा देखेंगे तो ज़्यादा सही है। जैसा बेस देता है उसके तरफ से ये वोल्टेज खींचता है। मैं जनरली देखिए मैं पसंद करता हूँ लैपटॉप से, मैं ये जो 3.5 का जैक है मतलब मैं ऑक्स केबल लगा करके ही मैं बजाने जाना पसंद करता हूँ। मंगवा रखा हूँ ये लगभग 5 मीटर का मेरे पास ये 3.5 mm का तार है। अगर आपको ये भी खरीदना है तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए इसमें करना क्या है, एक तरफ आपको ऐसे ऐड कर देना है इसमें, और उसके बाद फिर आपको ये इतना लंबा तार है और आपको ये वाला जा करके लैपटॉप में लगा लेना है। ये हो गया हमारा ऑक्स केबल के साथ कनेक्शन। अब मैं आपको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ब्लूटूथ मोड में जाने के लिए आपके पास ये जो बटन है, आपके पास ये रिमोट में सोर्स, आप सोर्स बटन पे 2-3 बार प्रेस कर सकते हैं, वहाँ पे खुद दिखा देगा बीटी करके। या फिर आप देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो है डायरेक्ट एक ब्लूटूथ का बटन दिया हुआ है, आप डायरेक्ट इस पे बटन दबाइएगा ये स्विच हो जाएगा ब्लूटूथ मोड पे, मतलब पेयरिंग मोड में स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ बीटी, और ये जैसे ब्लिंक कर रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ BT05, बीटी का मतलब ब्लूटूथ मोड में, अभी पेयरिंग मोड में है, और ये 05 मतलब वॉल्यूम का है, वो वॉल्यूम का लेवल है। तो अब मैं फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करता हूँ और उसके बाद फिर मैं पेयर करता हूँ। ये देखिए पेयरिंग के लिए पूछ रहा है, मैं इसको पेयर पे क्लिक करूंगा, जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा ये ब्लिंक करना बंद कर देगा। वो देखिए अब कनेक्ट हो गया, ब्लिंक करना बंद हो चुका है। ये देखिए मैं भी कोई भी एक गाना प्ले कर दे रहा हूँ अभी। अब वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे, देखिए यहाँ से कंट्रोल हो पा रहा है, ये यहाँ पर भी टोटल 30 तक जाएगा वॉल्यूम। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके USB के थ्रू आपको कैसे बजाना है। USB से बजाने के लिए आप कार्ड रीडर में एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, या फिर आप पेन ड्राइव भी यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम उसका कैपेसिटी है 32 GB, 32 GB से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। तो देखिए आपको सबसे पहले ये जो पेन ड्राइव लीजिए या फिर कार्ड रीडर में USB लीजिए, कार्ड रीडर में आप MicroSD लीजिए, आपको इसे फॉर्मेट करना होगा FAT32 या FATMAG, और इसके अलावा कोई भी पार्टीशन सपोर्ट नहीं करेगा वो। मैं भी आपको दिखाता हूँ इसको डिटेल में। ये देखिए हमारे पास ड्राइव आ गया है, आपको सबसे पहले इसे फॉर्मेट करना होगा। ये देखिए यहाँ पे जो आपको फाइल सिस्टम दिख रहा है, आपको यहाँ पे फाइल सिस्टम में आपको NTFS और EXFAT को नहीं सिलेक्ट करना है। NTFS जो है न्यू फाइल सिस्टम है, ये भी नहीं, न्यू टाइप फाइल सिस्टम है, ये भी नहीं सपोर्ट करता है, और ये जो है एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल, ये भी सपोर्ट नहीं करता है। आपको चूज करना होगा ये दोनों में से कोई। बेसिकली NTFS जो होता है बड़ा बड़ा फाइल साइज के लिए होता है, तो हम लोग तो म्यूजिक रखेंगे ना, म्यूजिक कितना साइज का होगा, ज़्यादा 10 MB। तो हम लोग को जब भी इसे फॉर्मेट करना है तो ये फैट को सिलेक्ट करके कीजिए, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसे ही आप फॉर्मेट पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये फॉर्मेट पे क्लिक किए, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रीस्टोर डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना, तो ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे फैट ले लेगा वो। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट कर देना है, और इस होम थिएटर में मैं देखा हूँ कि यहाँ पे आपके पास ये फोल्डर बाय फोल्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले इसके अंदर मैं दो ही गाना मैं डालता हूँ, ये दो गाना मैं सबसे पहले मैं एक फोल्डर में बना दे रहा हूँ। लेट्स से फोल्डर का नाम F1, और ये फोल्डर के अंदर मैं एक
सॉन्ग को मैं डाल दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से चेक कर पाऊंगा क्या मैं बहुत सारे गाने को फोल्डर में डालूंगा तो वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अब फोल्डर में देखिए चेंज करने के लिए यहाँ पे रिमोट में दे रखा है फोल्डर अप एंड डाउन, तो हम लोग यहाँ से वो स्विच कर पाएंगे फोल्डर में गाना को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये वोकल करके है कोई एक गाना, अगर ये फिर ये दूसरा गाना है मैरी क्रिसमस करके है। तो कहने का मतलब अगर अभी मेरे को यूएसबी लगाने के बाद अगर दो गाना चल जाता है तो मतलब वो फोल्डर को एक्सेस कर पा रहे हैं। तभी मैं इसे निकालता हूँ और यूएसबी को लगाते हैं होम थिएटर में। इसके बाद देखिए अब हम लोग को यहाँ पे स्विच करना है, ये सोर्स पे क्लिक करके वहाँ पे यूएसबी पे मुझे जाना है। ये देखिए अभी ऑक्स में चल रहा है एयू, अभी ऑप्टिकल आ गया है, तब देखिए यूएसबी आ गया है, तब देखिए यूएसबी में लाइट भी चलना शुरू हो गया। वो देखिए उधर यूएसबी रीड करना शुरू कर दिया, तो ये जो है फर्स्ट गाना वो चलना शुरू हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि अगर मैं फोल्डर अप करूँ या फिर चलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि और भी गाना रीड कर पा रहा है या नहीं। देखिए मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए गाना चेंज हो गया है और देखिए ये दूसरा गाना चलना शुरू हो गया। इसका मतलब वो दोनों MP3 फाइल को रीड कर लिया है ये। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, फोल्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं फोल्डर अगर मैं डाउन करूँ, देखिए वहाँ पे दिखा रहा है 01, मतलब फोल्डर 1 में चला गया। मैंने आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिए अभी ये जो है ये गाना का टाइमर चल रहा है। मैं आवाज़ थोड़ा कम कर देता हूँ। ये देखिए अभी जो है ये गाना का टाइमर चल रहा है कि कितना सेकंड पे ये गाना चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे दबाऊँ फोल्डर डाउन तो देखिए यहाँ पे ये देखिए दो ही फोल्डर है, इसीलिए 1 और 2 दिखा रहा है, ये 1 और 2 और भी और कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि दो ही फोल्डर है। अगर बहुत सारा फोल्डर रहता ना तो यहाँ पे फोल्डर को 1 2 3 करके ऐसे ही लिस्ट करता जाता है। तो जब भी मैं फोल्डर से बैक आता हूँ तो ये पीछे वाला गाना बजता है, आगे मैं करता हूँ तो वो फोल्डर के अंदर वाला गाना को प्ले कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे सिंगर्स का फोल्डर्स बना करके आप डाल सकते हैं, उसके बाद फिर आप रिमोट से बजा सकते हैं। और भी देखिए आप रिमोट में यहाँ पे बहुत कुछ है, अगर आपको सेटिंग वेटिंग कुछ चेंज हो गया तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे इसे ट्यून कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ स्कैन कर सकते हैं FM रेडियो को। यहाँ पे पॉज प्ले नेक्स्ट है इधर, उसके बाद फिर देखिए बेस कंट्रोल है, उसके बाद फिर ट्रेवल कंट्रोल है। यहाँ पे देखिए 5 5 मैक्स है और मिनिमम -5 है। तो अगर आपको हैवी बेस पसंद है तो ये आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसका जो बेस है मतलब इसका जो वाइब्रेशन है जब बेस बजाने पे, तो मतलब एक नॉर्मल पार्टी के लिए, नॉर्मल पार्टी कर रहे हैं तो वहाँ पे माइक सिस्टम चाहिए, अच्छा स्पीकर चाहिए, तो ये आप आराम से इसे कंसिडर कर सकते हैं। देखिए मैं ये होम थिएटर के बारे में आपको सबसे पहले मैं कुछ मुझे जो पसंद आया है वो मैं आपके साथ में पहले बताता हूँ, और जो मुझे नहीं पसंद आया वो भी मैं आपके साथ में बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस होम थिएटर में सबसे मुझे जो पसंद आया है, अगर आप बेस लवर हैं और आपको मतलब लाउड म्यूज़िक पसंद है, ट्रेबल भी मतलब इसमें है, सब कुछ मिक्स दिया होगा, खास करके इसका जो बेस है बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब मैं तो बिल्कुल इम्प्रेस हो गया हूँ, क्योंकि मुझे हाई बेस वाला होम थिएटर चाहिए था। तो अगर आप बेस लवर है तो आपके लिए ये परफेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि इसके इतना अच्छा बेस कोई और दे सकता है। मुझे ये पड़ा है लगभग 14 से 15 हज़ार के बीच में पड़ा है। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट करना चाह रहे, देखिए बार बार ये सब चीज़ नहीं खरीदते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप अभी नहीं खरीद पा रहे हैं तो 1-2 महीने रुक करके पैसा जमा करके यही खरीद लीजिए, कोई और क्यों खरीदना है, क्योंकि ये जो इसका साउंड क्वालिटी है एकदम इंप्रेसिव है। ये जो आप रिमोट से बेस कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं इसमें कि एकदम हैवी बेस है तो एकदम हमेशा हैवी बजेगा, नहीं, आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको अभी रात हो रहा है, अभी आपको काफ़ी ज़्यादा बेस में नहीं बजाना है, तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कितना भी बजाना है। तो ये बेसिकली मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा। कभी कभी होता है कि मूवीज चल रहा है, रात में मूवीज़ देख रहे हैं, तो सॉलिड मीडियम से मतलब ये ट्रांसफर होता है, बहुत तेज़ी से ट्रांसफर होता है, तो इसके कारण क्या होता है ना कि बगल वाले को डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, रात की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या ना बेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए इसका सबसे मुझे अच्छा लगा कि आप अगर गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या फिर कैरियोके सिंगर हैं तो आप इस माइक को यूज कर सकते हैं। मैंने काफ़ी लाउड इसको बजाया हूँ म्यूजिक के साथ, उसके बाद फिर मैं सिंगिंग कर रहा था तो क्या कर रहा था ना, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कर दे रहा है कि मेरे जैसे ओरिजिनल सिंगर का जो आवाज़ है वो जो बज रहा है, अगर मैं यहाँ पे गा रहा हूँ तो क्या करता है उसके ऊपर ओवरलैप कर देता है मेरा आवाज़ को, मतलब बूस्ट कर देता है, और जो ऑलरेडी गाना गा रहे हैं सिंगर उनका थोड़ा लो कर देता है, मतलब एकदम मिक्स कर देता है। सिंगिंग के लिए ये बहुत ही बेस्ट माइक है। उसके बाद फिर अगर आप चाहे तो मतलब अनाउंस करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए ये माइक नहीं अच्छा है। जो इनबिल्ट माइक है मुझे लगता है ये सिर्फ सिंगिंग करने के लिए दिया हुआ है। देखिए अगर आप मैं बोलूँ एकदम नज़दीक से बोलूँ तभी आवाज़ पकड़ता है, मुझे इतना दूर से ये नहीं पकड़ रहा, ये नहीं कैच कर रहा है। बट उसके लिए भी फीचर दिया हुआ है कि आप एक्सटर्नल माइक खरीद करके आप लगा सकते हैं, वायरलेस भी लगा सकते हैं, वायर वाला भी लगा सकते हैं, तो अच्छा काम कर जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, कुछ और जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका कमेंट का रिप्लाई मैं करूंगा। अगर आप एक वीडियो अपलोड करने से 1-2 महीना बाद आप देख रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में चेक कीजिए, वहाँ पे मैं अपने कमेंट को मैं पिन कर रखा हूँ, जहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कि या मुझे इतने दिनों में कुछ प्रॉब्लम हुआ या नहीं हुआ।
अगर वहाँ पे कुछ भी मैं कमेंट में नहीं मेंशन किया हूँ, मतलब ये सब कुछ ठीक काम कर रहा है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है मैं डेफिनेटली कमेंट में लिख दूंगा क्या प्रॉब्लम हुआ है, और अगर मैं ठीक कर चुका हूँ तो मैं बता दूंगा कि ठीक कैसे किया हूँ। तो बस इस वीडियो में यही इतना ही तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो आप वीडियो को लाइक करें, और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।